ऑडिशन कपल ऑफ डेज दो दिन के अंदर इतने बड़े हिट हुए हैं. हमको उस फिल्म से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फिल्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, हमको फिल्म रिलीज होने दो. फिल्म रिलीज होने से पहले हम सेंसर बोर्ड से अपील करेंगे कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल वर्ड हो वो निकाले जाए या फिर मूवी ही बैन की जाए. उसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है जो आपको? अगर आप मीडिया के होकर के अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि आपको खुद जैसे ही कंप्लेन लॉन्च हो आपको खुद इसके बारे में मालूम करने चाहिए कि ये सॉन्ग को आप गूगल में टाइप करिए, केरलाई लैंग्वेज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं. ठीक है ना, ये हमारे मुस्लिम्स के लिए सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, इसीलिए हम जो है ना इसको कंप्लेन कर रहे हैं. हमको कोई पॉपुलरिटी गेन नहीं करनी है, हमको कोई शोबाजी नहीं करनी है, हमको सिर्फ ऑब्जेक्शन है उस लिरिक्स से. वो लिरिक्स जो है ना उस गाने में नहीं आने चाहिए थे, वो ऑब्जेक्शनेबल है, समझे ना, ये इसीलिए हमने कंप्लेन किया. और वो फिल्म रिलीज, वो गाना रिलीज ना होना है, उस तरह का गाना रिलीज होना नहीं चाहिए. ठीक है ना, वो अगेंस्ट है. केरला से मुझे बहुत सारे कॉल आए, केरला से बोला जा रहा है कि भाई 35 साल से वो गाना प्ले हो रहा है, वो गाना प्ले हो रहा है बहुत गलत तरीके से गाना प्ले होता है, वो अपने घरों में प्ले करें, बाहर नहीं आना चाहिए स्क्रीन पर. वो उस तरह के वो गाना तो ठीक है, लेकिन बीच में हमारे प्रॉफिट का जो नाम लिया जा रहा है, जो जिस तरह के बताया जा रहा है कि जो ना उनकी बारे में बताया जा रहा है कि उन दोनों के बीच में इस तरह का लव था, इस तरह का प्यार मोहब्बत थी, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए. वो हमको हीरो हीरोइन से कोई हमारा मतलब नहीं है. वी हैव नो ऑब्जेक्शन विद द हीरोइन और हीरो और एक्टर डायरेक्टर, वी हैव नो ऑब्जेक्शन. बट अगर फिल्म में कुछ होगा उससे पहले हम लोग एक्शन लेंगे. अगर हम लोगों को फिल्म में अगर फिल्म रिलीज होने से पहले अगर हमको पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ है तो वी रिक्वेस्ट टू द सेंसर बोर्ड. हम लोग लीगल एक्शन अभी लेने के लिए जा रहे हैं और सेंसर बोर्ड से हम अपील करते हैं कि इस तरह के कोई भी एक्शन उसके अंदर हो तो उसको डिलीट किया. आपका नाम को एक बार बोलिए. मेरा नाम मीर जैरत नली खान है. आप क्या करते हैं? मुकेश जो है वो हम लोग को कंप्लेनर है. ठीक है ना, और ये जो ना हम लोग बैठे हुए थे और इसी का जो वीडियो हम लोगों ने देखा तो इनफैक्ट हम लोग लाइक कर रहे थे वीडियो, लेकिन जब हमको पता चला कि ये लिरिक्स इस तरह के हैं तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर समझा कम से कम 5000 लोग जो है ना वो अगेंस्ट हो गए इस गाने के, इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन करने को. ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच.